बिहार सरकार के एक आदेश के तहत दिनांक 1 मई से बालू की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी किया है और राज्य सरकार के अगले आदेश तक बालू का कारोबार बंद रहेगा। बिहार सरकार के आदेश के तहत सारण के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा सारण जिला के डोरीगंज स्थित 4 बालू घाटों से बालू के उठाव और बालू की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी बालू के उठाव और उसकी बिक्री बदस्तूर जारी है। इसको लेकर सारण जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने आज अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बालू का कारोबार करने वाले व्यापारियों और बालू ढोने वाले माल वाहनों पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर आज सारण जिले के इशुआपुर और मशरक के आसपास के इलाकों में छपरा के मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, अंजनी पाठक, मधुसूदन, जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें बालू का अवैध कारोबार करते हुए और 14 ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में अवैध बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया और नियमानुसार लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।